नमस्कार दोस्तों, फाइनली फेसबुक की तरफ से एक बिगेस्ट मोनेटाइजेशन अपडेट आ चुका है और ये अपडेट स्पेशली उन क्रिएटरों को ज्यादा बेनिफिट देने वाला है जो क्रिएटर अभी अभी फेसबुक के ऊपर स्टार्ट किए हैं या फिर जो भी फेसबुक के छोटे मोटे क्रिएटर है ना, उनको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। और इस अपडेट का नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स। और इस अपडेट को लेकर बहुत लोगों ने बहुत सारे चीजों को हवा मचा कर रख दिया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि फेसबुक पर काम करके कोई फायदा नहीं है, उसका मोनेटाइजेशन टूल्स बंद होने वाला है, ये होने वाला, इनस्ट्रीमेट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, फेसबुक पर वीडियो डालने से कोई फायदा नहीं है, और पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या हवा मचाकर रखे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि आखिर फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन है क्या, इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, ये आपको कैसे मिलेगा, इसके क्या क्या बेनिफिट है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सारे चीजों के ऊपर एकदम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जब भी मैं वीडियो लाता हूं कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करके लाता हूं और उन क्रिएटरों को भी मुंह तोड़ जवाब दूंगा जो कि इसके ऊपर हवा मचा कर रखे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हो। और मेरे नाम पर पैसे वगैरह मत भेजिएगा वरना आपके साथ स्कैम हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं लेता हूं। तो यहां से कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले आखिर आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स है क्या। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते रहोगे। तो देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स जो है वो भाई क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल्स का उपनाम है। मतलब जैसे कि मेरा नाम है बादशाह गोल्डन और मेरे चैनल का नाम है कैरी टेक माइंड। अगर आप कैरी टेक माइंड बोलो चाहे बादशाह गोल्डन बोलो, भाई संबोधित मैं ही हूंगा। तो अगर आप क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल बोलो या कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल बोलो, भाई एक ही चीज संबोधित किया जाएगा। अब देखिए कंटेंट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बेसिक चीज सिखा देता हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कंटेंट का मतलब होता है जो भी आप मोबाइल से शूट करते हो या फिर जो चीज भी आप लिखते हो, जो भी फोटो को अपलोड करते हो गया भैया आपका कंटेंट। जैसे आपका फोटो आपका कंटेंट हो गया, आपका रील आपका कंटेंट हो गया, आपका वीडियो आपका कंटेंट हो गया, जो भी आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहे हो बेसिकली वो आपका कंटेंट हो गया। अब देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मतलब कंटेंट को मोनेटाइज करने वाला जो टूल है उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स बोला जाता है। देखिए पहले क्या होता था, आपके रील मोनेटाइज करने के लिए आपको एड्स ऑन रील्स मिलता था, आपके लॉन्ग वीडियो को मोनेटाइज करने के लिए आपको भाई इन स्ट्रीम एड मिलता था, आपके फोटोज और टेक्स्ट को मोनेटाइज करने के लिए यहां पर आपको फेसबुक के ऊपर बोनसेस का ऑप्शन दिया जाता था। इससे क्या होता था कि बहुत लोग भाई वो बोलते थे कि भैया हमको समझ में नहीं आता कि हम फेसबुक के ऊपर रील डालें या वीडियो डालें। बहुत लोग वीडियो डाल रहे हैं, लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं और उनको ससुरों को मिला हुआ एड ऑन रील और बोल रहे कमाई नहीं हो रहा, और ऐसे में लोग फेसबुक को बदनाम कर रहे थे। तो यही में फेसबुक बोला कि अच्छा बबुआ तू हमसे फिरकी ले रहा है, आइए हम भी एक फिरकी लेते हैं। और वहीं पर फेसबुक ने लॉन्च कर दिया है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। मतलब आप जितने भी वीडियो डालोगे, किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो डालो, अगर आपको एक बार कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिल गया ना तो आप वीडियो डालो फिर भी आपका कमाई, आप रील डालो फिर भी आपका कमाई, भाई आप फोटो डालो फिर भी आपका कमाई, आप टेक्स्ट लिखकर डालो फिर भी आपका कमाई। मतलब फेसबुक के ऊपर आप कुछ भी करोगे ना भाई, ए टू जेड कुछ भी करोगे ना, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। यहाँ तक कि पिछले बार जब अपडेट आया था उसमें मैंने ये भी आपको कवर करके बताया था कि भाई लिटरली फेसबुक के ऊपर स्टोरी डालने के भी पैसे मिलेंगे। भाई ऐसा कौन करता है, स्टोरी डालने के बदले आपको पैसा मिलेगा। मतलब जो आप फेसबुक पर स्टोरी डालोगे ना तो आपके स्टोरी पर जितना ज़्यादा एंगेजिंग होगा, जितना ज़्यादा आपके स्टोरी पर एंगेजमेंट होंगे उसके बदले भी आपको पैसे मिलेंगे। तो यही है बेसिकली फेसबुक का फंडा। अब देखिए बात कर लेते हैं कि आखिर इसके आने से कौन कौन मोनेटाइजेशन टूल्स इफेक्टेड हुआ है और क्या क्या क्रिएटरों को नुकसान हुआ है। तो देखो बाबू सिंपल समझो भाई, जब आपके वीडियोज मोनेटाइज हो ही रहे हैं, जब आपके रील मोनेटाइज हो ही रहे हैं, जब आपके फोटोज मोनेटाइज हो ही रहे हैं, जब आपके भाई टेक्स्ट मोनेटाइज हो ही रहे हैं, तो आपको फिर नुकसान कहां पर हो रहा है। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, कोई भी मोनेटाइजेशन टूल्स बंद नहीं हो रहा है, बस भाई सब जगह को जोड़कर एक जगह आपको दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि भैया आखिर ये हमको कैसे मिलेगा, अर्ली एक्सेस के लिए हमको कैसे इसको ज्वाइन करना है और कब से जो है इसका जो मोनेटाइजेशन टूल्स है वो कब से बंद हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं और यहां से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां से आपको बिल्कुल डिटेल में और लाइव प्रूफ समझाने के लिए मैं आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले यहां से आपको अपना फेसबुक को ओपन करना है। यहां पर आपको अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करके फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जाइएगा आपको सबसे नीचे स्लाइड करना है। जैसे ही आप सबसे नीचे स्लाइड कीजिएगा तो सपोर्ट के जस्ट नीचे में आपको क्रिएटर सपोर्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा।
यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको मोनिटाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, उसके नीचे में आपको इन स्ट्रीम ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप इन स्ट्रीम ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से फेसबुक का जितना भी अपडेट है जो कि फेसबुक ला रहा है, इसका जो प्लानिंग है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फेसबुक का साफ साफ कहना है कि हम भाई 4 अक्टूबर 2024 से फेसबुक का जो इन स्ट्रीम ऐड वाला जो एप्लीकेशन वो जो अप्रूव कर रहा था ना, उसको अप्रूव करना बंद कर दिया है। यानी कि अगर आप 4 अक्टूबर के बाद उसको सेटअप किए होंगे तो आपका जो पेज है, प्रोफाइल है, वो इन रिव्यू में पड़ा हुआ होगा, वो अभी तक से आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो फेसबुक क्या चाह रहा है, देखिए फेसबुक का यहाँ पर कहना है कि फेसबुक बिल्ड कर रहा है, मतलब बना रहा है भाई एक सिंप्लीफाइड क्रिएटर मोनेटाइजेशन एक्सपीरियंस के लिए। मतलब फेसबुक का कहना है कि जितने भी आपका इन स्ट्रीम ऐड है, ऐड ऑन रील है, आपका फेसबुक का परफॉर्मेंस बोनस है, उसको हम एक जगह कर रहे हैं और उसके बदले हम आपको दे रहे हैं क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल। मतलब क्रिएटर का एक मोनेटाइजेशन टूल्स आएगा जहां पर आपका इन स्ट्रीम ऐड, ऐड ऑन रील, हर प्रकार का कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए और आगे फेसबुक का कहना है कि मैं मानता हूं कि कुछ क्रिएटरों के लिए मतलब ये डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, मतलब भाई थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है, बट आप हम पर भरोसा कीजिए, हम लॉन्ग टाइम के लिए बेहतर एक्सपीरियंस के लिए अगर आप इसको यूज करोगे तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और स्पेशली जो छोटे क्रिएटर है भाई, जो इन स्ट्रीम ऐड से मोनेटाइज करने जाते थे तो एड्स ऑन रील नहीं मिलता था, एड्स ऑन रील्स मिल जाता था तो परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता था, तो भाई वो सब झंझट खत्म। एक बार आपका क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल्स मिल गया, मतलब धनलक्ष्मी की बरसात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए फेसबुक का कहना है कि यहाँ पर अभी ये चीज़ें जो है वो बीटा टेस्टिंग मोड में है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना है तो फेसबुक आपको इजीली दे देगा। उसके बाद फेसबुक का कहना है कि भाई 2025 तक जो है ये भाई ऑटो इनवाइटेड रहेगा, मतलब फेसबुक इसके लिए आपको खुद इनवाइट करेगा और उसके बाद हो सकता है कि कोई क्राइटेरिया ला दे और क्राइटेरिया बेस कर दे कि भाई फलना क्राइटेरिया को कंप्लीट करो, तब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, भाई मजबूरी है, हम काम कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, तो हमको तो ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली इन दिस फॉर्म के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो फेसबुक का जो भी है वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं आपको करना, जो भी आपका ईमेल आईडी है, जैसे कि चलिए मैं अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना फेसबुक का यूआरएल डालना है, तो यहाँ से जो भी आपका फेसबुक का यूआरएल है भाई, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कॉपी कर देना है, ठीक है। उसके बाद यूआरएल कॉपी करने के बाद अगर आपका कोई भी अदर सोशल मीडिया अकाउंट है तो यहाँ से आप उसको कॉपी कर दीजिएगा फटाक से। उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर लेट्स डू इट के ऊपर यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो भाई सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर बोलेगा थैंक यू फॉर इंटरेस्टेड इन फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा मोड, ठीक है। यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये सिंपली आपका फेसबुक के लिए एक फॉर्म चला गया है। और कुछ समय इंतजार करने के बाद, मतलब हो सकता है 10 दिनों में, हो सकता है 15 दिनों में, हो सकता है किसी को 20 दिनों में, और हो सकता है कि किसी को पहले भी मिल चुका होगा, ठीक है। तो वहाँ से प्रोफाइल का लिंक वगैरह सही से डालिएगा, पेज का लिंक, वो कैसे करना है तो यहाँ से कुछ नहीं करना भाई, लिंक को कैसे कॉपी करना है यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहीं पर देखिए क्या लिखा रहा है, योर पेज लिंक, यहाँ पर प्रोफाइल लिंक सारा रहेगा, तो कॉपी करके पहले रख लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर भैया ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहीं पर देखिए जो मेरा दिखा रहा है क्या, स्टार, ऐड ऑन रील, बोनसेस, इन स्ट्रीम ऐड दिखा रहा है, सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, उसके जस्ट नीचे में मुझे क्या दिखा रहा है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स का मुझे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है ना। तो सिंपली अगर मैं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, भाई ये क्रिएटर मोनेटाइजेशन टूल्स का ही उपनाम है, तो ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए केवल 10 दिनों में $248 का अर्निंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हर चीज़ बताएगा कि देखिए आपको जो ओरिजिनल कंटेंट को बनाना है और आपके वीडियोस पर, रील्स के ऊपर, फोटोज के ऊपर जितने लाइक आएंगे, जितने कमेंट आएंगे, किस हिसाब से आपका एंगेजमेंट है, आपका वीडियो कितना शेयर हो रहा है, किस हिसाब से लोग आपको लाइक कर रहे हैं, हर्ट दे रहे हैं, उस हिसाब से आपके ऑल एलिजिबल पोस्ट, मतलब कोई भी पोस्ट आप कर रहे हो उसके ऊपर आपका अर्निंग होगा। भाई इससे बड़ा बात क्या हो सकता है भाई। आप मान के चलो दम लगाए और इन स्ट्रीम ऐड के लिए आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद रील डाल रहे हो, तो रील से कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसमें बस एक बार आपको दम लगाना है भाई, बिना किसी फॉलोअर्स, बिना किसी कुछ के भाई इसके लिए इंटरेस्टेड दिखाओ, अच्छा कंटेंट डालो, फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली इनवाइट कर देगा, फिर तगड़ा तरीके से यहाँ पर अर्निंग करो, ठीक है। अब देखिए अगर आपको चेक करना है कि भाई मेरा कौन से वीडियो से कैसे कैसे कमाई हो रहा है, सी ऑल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सी ऑल के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका जिसका जितना भी अर्निंग का सोर्स है वो सारा का सारा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस वीडियो से मेरा $74 का कमाई हुआ है, ये वाले वीडियो से मेरा $49 का कमाई हुआ,
हुआ है, ये रील से मेरा $24 का कमाई हुआ है, ये रील से $12, ये रील से $6, मतलब यहाँ पर सारा चीज दिखा देगा। अगर यहाँ पर मैं टॉप कंटेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से देखिए सारा चीज दिखाएगा कि भाई आपका 7 दिन में कौन टॉप कंटेंट है। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कौन से वीडियोज कितना अर्निंग दे रहा है, यहाँ से वो आपका दिखा देगा। यहाँ पर मैंने ऑल कंटेंट के ऊपर सेलेक्ट किया, देखिए कौन से वीडियो से आपका कितना अर्निंग हो रहा है, यहाँ पर आप सारा चीज को इजिली देख सकते हो, बस आपको देखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर ये हमारे लिए नुकसानदायक है या बेहतर है, तो देखिए फेसबुक जो भी चीज ला रहा है वो अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर करने के लिए ही ला रहा है, ना कि आपको नुकसान देने के लिए। देखिए अगर इसमें आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो हो सकता है इसको फेसबुक बदल दे, बट मुझे लगता है कि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि भाई देखिए हर मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज करना हर व्यक्ति के लिए उतना संभव नहीं हो रहा था, और फेसबुक पर जितने बड़े बड़े क्रिएटर हैं उससे कई जाना, अगर भाई 20% बड़े क्रिएटर हैं तो 80% छोटे क्रिएटर है, तो फेसबुक क्या कर रहा है, छोटे क्रिएटरों को टारगेट कर रहा है। तो ससुरो अभी क्या कौन सा पहाड़ गुजरा है, अगर अभी भी इतना देखने के बाद भी अगर अभी भी फेसबुक के ऊपर काम नहीं कर रहे हो ना, बहुत बड़ी गलती करो भाई। आने वाले समय में क्रिएटर का बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है, एक क्रिएटर लग्जरी लाइफ जीता है भाई, अच्छे महंगे महंगे कार रखता है, आईफोन 16 लॉन्च नहीं होता है और वो ससुरा जाके खरीद लेता है, भाई सोच सकते हो क्रिएटर के पास कितना पैसा होता है। तो मैं अभी भी बोलता हूँ अगर आप काम कर रहे हो भाई, अगर आपको इसमें करियर बनाना है थोड़ा सा दम लगा के मेहनत करो ना भाई, अभी जवानी है, ठीक है। मैं लिटरली यहाँ पर देख सकते हो कि मैं 9-10 बजे रात में खड़ा होकर वीडियोस बना रहा हूँ ना, 12 बजे तक वीडियोस बनाऊंगा, 1 बजे तक वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि भाई ये मेरा लाइफ है भाई। मेरा जो उम्र है अभी वो 19 से लेकर 35 साल तक अभी मेरे बॉडी में जान है भाई, मैं पहाड़ तोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा उम्र ढलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई ये गर्लफ्रेंड का बनाने का उम्र नहीं है, भगवान दिया है, तो भाई ये मेहनत करने के लिए दिया है भाई, पसीना बहाओ तब आएंगे पैसे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ इस प्रकार के अपडेट के लिए मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में आकर गरियाएंगे कि भाई बकचोदी बहुत करता है तू, लेकिन अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ, अगर मेरे वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो बेसिकली मोटिवेशनल कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट पढ़ के हमको भी अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बिकम ए क्रिएटर का फुल कोर्स आप ही लोग के लिए बनाया हूँ भाई, तो वीडियोस नहीं देखोगे तो मैं तो डीमोटिवेट हो जाऊंगा, तो कहाँ से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो भाई 2-4 वीडियो आते हैं, पर डे का एक वीडियो आता है, 2-4-5 मिनट समय निकालकर इस गरीब का भी भला कर दिया करो और खुद का भी भला कर दिया करो। वेब सीरीज और मूवी से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये सब नॉलेज वाला वीडियो देखोगे तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा और जीवन में कुछ आगे बढ़ोगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।